जनपद संभल के बेजोई थाना क्षेत्र के गांव नागालिया कठेर में बीती 8 नवंबर को दो पक्षों में एक रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ था। किस बात को लेकर विवाद है, कौन सी जगह को लेकर? 80 वर्षीय चमेली नाम की बुजुर्ग महिला की चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को जेल भेज दिया था। अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में पत्थर लिए हुए किसी चीज पर मार रहा है। साथ ही वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पुलिस कर्मियों के साथ में बस सलूकी, धक्का मुक्की आदि कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना में पुलिस दोनों तरफ से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं वे जेल जाएंगे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस की कार्यवाही पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या घटना हुई आपके गाँव में? घटना हुई मेरे सामने ये भाई, पहले तो गए गाँव वाले लोग, उनका फैसला नहीं माना, फिर पहुंचती है पुलिस, वो आधा मार करने लगे, छत पे चढ़ के, मान लो 2 मंजिल 3 मंजिल पे चढ़ के आधा मार करने लगे, पुलिस को भी उन्होंने खा लिया, काट ले दो, पुलिस का काजल का खून भी खींचा हाथ से और खून ना दिया। हाँ, और साहब जी पप्पू ने अपनी दादी फेंक के मारी घर से अंदर, मैं उस टाइम मौजूद था। आए थे सगरे बन लड़ाई करने के लिए, हमारी दादी यहाँ बैठी थी, ईंटबाजी हो गई थी, हमारी दादी की ईंट लग गई, कम हो गई वहीं पर, दरवाजे पर घमी आ रही थी हमारी दादी, और वहीं पर लड़ाई हुई थी, पुलिस वाले भी साथ थे, गांव का प्रधान लेके आया था सबको बुला के, ये मोहनलाल नाम का हैगा, उसने लड़ाई चलवाई है, उसने कही उसने मारी थी पहले हाथी, फिर वीरा सिंह ने, वीरा सिंह के लड़के थे दो, उन्होंने मारी थी अपने घर में से ईंट। साहब घर में यहाँ बैठी है, कोई अपनी दादी को मार लेगा, कोई अपने आप अपनी माँ को मार लेगा, बताओ आप। तुमने नहीं पटका था दादी को? जब उस पर चला ही नहीं जा रहा तो मैं कहाँ से पटकता, वो तो गेट पे बैठी थी, और हम तो खुद पुलिस वाले थे दो, वो हमारी फोन छीनने के ले गए थे, वीडियो बना रहे थे, हम तो फोन छीन रहे थे। अब पुलिस कह रही है कि तुमने अपराध मारी है, उसको पप्पू को दो। हाँ जी, रोशन वो साहब हमारे लिकास में आगो, हमारी गली में आगो गेट लगाना चाहता जबरदस्ती, और साहब हम पे स्टे हुए 15 साल तक, हम उसमें मुकदमा चला रहे हैं, और झगड़ा भी हो तो चला गया, कई फिर पकड़ कर चले गए हम, और तौल साहब जी जबरदस्ती कागज गेट लगा रहा है, और गेट के पीछे यहाँ कागज हैं ये गांव के आदमी और नव प्रधान है, वो प्रधान इसी का साहब, हम भारी पार्टी के हैं, तो साहब उसने कागज इन्हीं की कही, और बस साहब मोहल्ला नाम का आएगा, उसने साहब उड़ाबाजी कर दी। और तो साहब जो हमारी माता जी गेट पर बैठी हुई, तो साहब वीरा सिंह ने और वीरा सिंह के लड़कन ने संतोष ने मेरे सिंह ने छत पर रोड़ा मार दिए, हमारी अम्मा के नहीं नहीं साहब के झूठ बोलने आगे, तो गिरे की पार्टी वाले तो ये तो किंग लेकिन की कैसी हमारे साहब पार्टी कोई ना आए ऐसे कागते हैं तो की तो लेकिन लड़का ने नहीं पटका साहब, वो तो गेट पर बैठी हुई कुर्सी पर घमी आ रही। अच्छा ये पुलिस क्या कह रही है? प्लस साहब प्लस जो कह रही है साहब तुम्हारी लड़का ने मारी है, लड़का पप्पू को ला कर दोगे? हाँ प्लस बुला रही है साहब। किस तारीख की घटना थी ये? 8 की थी साहब, 8 नवंबर। हाँ किस गांव में रहते हो आप? नगलिया कठहर रहते हैं साहब।